नमस्कार, एक बार फिर मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो एचपी हॉर्टिकल यूनिवर्सिटी में जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी क्लर्क की जो 20 पोस्टें निकली थी, जो नोटिफिकेशन आई थी उसकी, तो एग्ज़ाम की डेट तो अब हो चुकी है, परंतु जो एग्ज़ाम होगा हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या होगा एग्ज़ाम और कैसा होगा एग्ज़ाम। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इस चैनल पर आपको हर प्रकार की जानकारी मिलेगी एग्ज़ाम रिलेटेड हिमाचल की, क्योंकि हमारा कोई जो हिमाचल एचपीएससी और जो हिमाचल एसएससी है उस पर रिलेटेड, या आपको जो हिमाचल के या वर्ल्ड के या इंडिया के जो डेली करंट अफेयर होते हैं वो हिमाचल का कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो आपको बताएगा। तो ये ही एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली अपडेट देगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो इसकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की जो अप्लाई करने की ऑनलाइन डेट थी वो थी 17 से लेकर 10 तक, 10 अगस्त तक, 17 जुलाई से 10 अगस्त तक, ठीक है। तो डेट तो हो चुकी है, तो हम बात करेंगे कि कितनी पोस्टें थी। तो नंबर ऑफ पोस्ट 20 पोस्टें थी, और जो इसके बारे में तो जनरल की इसमें से 9 पोस्टें थी, जनरल बीपीएल की 2 होगी, ठीक है, 11 होगी, और जो जनरल ईएसएम है जी इसकी 1 पोस्ट, एससी की 3 है, एससी ईएसएम 1, एसटी की 1 और ओबीसी की 3 पोस्टें, तो कुल मिलाकर 20 पोस्टें है, ठीक है। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो चुका है, तो इसके बारे में डिस्कशन करने से अच्छा है कि रहने दे। तो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की क्या थी, ठीक है, वो अब अगर आपने गलती से कुछ और भर दिया तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और क्या एलिजिबिलिटी थी। तो एज के बारे में था, तो एज तो आपकी लगभग सभी की यही होगी नॉर्मल जितनी अभी चाहिए, तो 18 से 45 तक जो एज चाहिए थी इनको, वो तो एज का कोई फैक्टर नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, जो हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और जो यूट्यूब पे जो देख रहे हैं तो उनको एज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जो 18 से कम है उन्होंने ना भर दी हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन था मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो प्लस टू पास चाहिए था इसमें, ठीक है, और 1 साल का कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी स्कूल लेवल में या जो स्पेशल कोर्स होता है उसका अगर आपने किया होगा तो वो चाहिए था इसमें, ठीक है। और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन आ रहा है इसमें, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए या डीआईसीए जो होता है ये चलेगा, ठीक है। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि प्राइवेट चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसके बारे में आपको इतना बता दूंगा कि बता देता हूँ कि जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जितनी भी प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है उनको सभी को जो मान्यता प्राप्त हुई होती है, ठीक है, और जो ISO नंबर होता है इसका, वो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में किया है या रेगुलर में किया है, ठीक है, इसको कोई कुछ नहीं होता, बस इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो इसका था, ये इसमें जो कंप्यूटर एप्लीकेशन या जो कंप्यूटर का जो 1 साल का कोर्स मांगा था, इसके बाद है इसका जो आपके जो टेस्ट होगा पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद यहाँ पर जो ये कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें 30 वर्ड 1 मिनट में इंग्लिश में और 25 वर्ड 1 मिनट में हिंदी में आपको टाइप करना है। आपको इसके लिए 3 चांस मिलेंगे, ठीक है, 3 अटैम्प्ट होंगे, और अगर 3 में अगर आप नहीं होते, ठीक है, क्वालिफाई, तो आप बाहर हो जाओगे। अगर आपने कर लिया, ठीक है, क्वालिफाई, तो आप उसके बाद जो इसका लास्ट स्टेप होगा, ठीक है, जो मेरिट वगैरह लगेगी उसके बाद आपको आपका जो रिजल्ट है वो लग जाएगा आपको पता, ठीक है। तो ठीक है, आके देखते हैं। तो ये सब कुछ तो हो चुका है, इसके बारे में जो डिस्कशन करने से अच्छा है कि अगली बार अगला जो स्टेप है हमारा जो मेन पॉइंट है उसके हम डिस्कशन करेंगे। तो एग्जामिनेशन फीस वगैरह जमा होगी ये, तो उससे बात करने से अच्छा कि अब जो लास्ट में इसमें वो देखिए, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम से ध्यान से देखिए, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो 85 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, और आपके लिए जो बुरी बात है या बुरी खबर है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है,
जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, और जो ये 85 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन है, अगर आपने मान लो कि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है, और 4 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत किए और एक क्वेश्चन आपने सही किया, तो वो एक क्वेश्चन जो सही होगा वो भी गलत हो जाएगा, बस 0.25% मतलब 0.25 मार्क्स जो है इसके एक नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी होगी, ठीक है। तो ये बुरी खबर है, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग होती थी। ये जो सिविल सर्विस वगैरह जितने भी SI लेवल तक भी नहीं, अभी तक जो तहसीलदार वगैरह STM गया इसके एग्ज़ाम होते थे, उसमें ये सब कुछ होता था नेगेटिव मार्किंग का। तो या जो UPSC गया, SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते थे हाई लेवल के, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती। तो परंतु इस बार इसमें जो इन्होंने जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसने अब इसमें नेगेटिव मार्किंग ली है, ठीक है। तो ये तो होगी एग्ज़ाम की बात की नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पेपर में आएगा क्या, जब हम एग्ज़ाम देंगे रिटर्न एग्ज़ाम, तो उसमें क्या आएगा, मतलब कि सिलेबस क्या होगा, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो इसमें ये बताया है इन्होंने कि जो MCQ लेवल के जो क्वेश्चन हो गए, आपको ABCD ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपको, और आपको एक बात याद रखने की, जो आपको कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो इंटरनेट से होगा, कोई भी जो मतलब आपको इंटरनेट या कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, तो उसमें से 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ वही आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में 50 क्वेश्चन वही हो गए, ठीक है। अब बचे 35 क्वेश्चन, ठीक है, तो उनमें से जो 20 क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश के होंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कोई हिंदी के क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी, ठीक है, संधि विच्छेद वगैरह आ सकते हैं, या इंग्लिश में जो भी आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, या जो भी है ट्रांसलेशन होगी, एक दो ऐसा कुछ हो सकता है कि ट्रांसलेशन तो नहीं होगी, क्योंकि MCQ लेवल पे एग्ज़ाम होगा ऑप्शन वाला, तो आपको वो सिलेक्ट करने हैं, तो ठीक है। और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जो मैं आपको रोज़ाना बोलता हूँ कि आप करंट अफेयर देखा करो, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को आपके सामने लेकर आता हूँ, तभी तो कहता हूँ कि जो करंट अफेयर है जो उस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो कंप्यूटर साइंस वगैरह की वो तो हो जाएगी, ठीक है, परंतु जो करंट अफेयर है ना, रोजानी जो नई घटनाएं होती है वो लगातार होती रहती है, आज क्या हुआ है इसका हमें कोई नॉलेज नहीं, इसके बारे में हमें खुद कल पता लगेगा, और न्यूज़पेपर में भी आपको खबर मिल जाएगी, पर जो उसके बेसिक पॉइंट थे वो आपको नहीं बताएंगे। तो डिस्कशन तभी कहता हूँ कि करंट अफेयर की जो वीडियो डालता हूँ मैं उसको देखा करूँ, एक दो दिन कभी मिस कर देता हूँ मैं, तो उसके लिए जो टाइम दिया होता है उसको आप कवर कर लीजिए, ठीक है, अगर दो दिन मैं मिस कर जाता हूँ तो तीसरे दिन जो दो दिन के जो मिस क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको उस वीडियो में ऐड कर देता हूँ। तो तभी तो कहता हूँ कि पूरी वीडियो देखा करो, जितनी मैंने करंट अफेयर की वीडियो डाली है वो आप देखा करो, और 15 नंबर के करंट अफेयर और हिमाचल GK के जो क्वेश्चन होंगे, हिमाचल हिस्ट्री पॉलिटी और जो कल्चर वगैरह है उसके बारे में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जो बेसिक है आपका जो मेन फोकस होगा वो होना चाहिए अभी 50 नंबर जो ये कंप्यूटर साइंस के है, ठीक है, इस पर। और मान लो कि आपको कोई डाउटफुल क्वेश्चन लगता है एग्ज़ाम जब आप दोगे, तो ठीक है, तो जब डाउटफुल हो आप कि हाँ ये नहीं आता या ये हो सकता है, तो हो नहीं सकता है वो, उसको आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन, कोशिश ये करना उस टाइम कि जो एग्ज़ाम जो आपको पता है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर यही है, तो आपको उसको कीजिए, और जो कोशिश कीजिए कि क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आप क्वालिफाई कर जाते हो, आप अगर आप 40 में से 85 में से 40 लेते हुए 40-42 मार्क्स जितने भी आते हैं, ठीक है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हो तो फिर आपके चांस बन जाते हैं, ठीक है, पर ये 85 ही होगी, ठीक है, और 90 मिनट का टाइम मिलेगा इसके लिए, और इसके साथ एक कंडीशन और एक बेनिफिट भी मान सकते हो आप उसको, बेनिफिट ये है कि अगर आप, ठीक है, अगर आपके पास ये जो आप इन्होंने दिया कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप 50% से ऊपर मार्क्स है आपके, ठीक है,
तो उसके लिए एक 1.25% ये मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और जो बिलोंगिंग नोटिफाइड बैकग्राउंड एरिया वो पंचायत एज द केस में भी, तो अगर आप बैकग्राउंड एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और तो उसका एक मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है, 2.5 और 1.5 हो गए, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड एरिया का सर्टिफिकेट है आपको ये तहसीलदार या नायब तहसील द्वारा गेस्टेड ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा ये इशूड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आपके पास ज़मीन नहीं है, एलएनएस फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो या एक हेक्टर से कम ज़मीन है, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि एक नंबर और मिलेगा, ठीक है। और ये तहसीलदार या एसटीओ नायब तहसीलदार द्वारा जो सर्टिफिकेट बनता है इसका वो इशू होना चाहिए, उनके द्वारा बनाया गया होना चाहिए, ठीक है। अब आती है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है इसका जो आपको एक मार्क्स एक नंबर में होता है, ठीक है। और ये नंबर कब जुड़ेगी, जब आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी, तो उस टाइम जब आपका जो 85 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, उन दोनों के मार्क्स मिलाकर जो एंड में जो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, उस टाइम जो आपके पास सर्टिफिकेट या जो आपने फिल अप किए है कि हाँ ये आपके पास जो सर्टिफिकेट था एनएसएस का हो गया, तो उसके मार्क्स इसके मार्क्स जो होगी वो लास्ट में लगेंगे उसके जो मेरिट के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस पर भी बहुत से स्टूडेंट डिपेंड हो गए लास्ट में। तो उसके बाद आप देख रहे एक एक नंबर के ही जो भी है, आप इसको सिर्फ इसमें जो ऊपर स्क्रीन साइज आपको दिखाई दे रहा है, जो डिस्प्ले साइज या जो भी है, तो इसको आप 360 कीजिए, ठीक है, और जो इसको एसटी में देखिए या 480 कर दीजिए। तो एनएसएस का अगर सर्टिफिकेट है तो एक मार्क्स आपको इसको मिलेगा। अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डाइवोर्स सिवा जो भी सिंगल, अगर आप एक ही लड़की हो अपने माँ बाप की, तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने जो ये जो आपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट किया, आईटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, अगर आपने इसके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग की है, ठीक है, कहीं से, तो 1 मार्क्स उसका मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो 2.5 मार्क्स उसके मिलेंगे, 2.5%, ठीक है। तो इनको मिलाकर जो इसका टोटल है वो बनेगा, और जो इसका रिजल्ट है वो क्लियर रिजल्ट आपको शो करेंगे ये, ठीक है, ये सब को मिलाकर, ठीक है। और अगर आपने ये सब कुछ जो आपने फॉर्म भरी थी इसमें अगर आपने कुछ गलत किया है, ठीक है, या जो इन्होंने कंडीशन जो क्वालिफिकेशन मांगी थी अगर आपने वो सही नहीं भरी या उतनी नहीं है आपकी, तो आपकी जो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे इससे एग्ज़ाम होने से पहले, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान से चेक कीजिए, आपने जो फॉर्म भरी है उसका जो प्रिंट आउट है उसको चेक करिए दोबारा से, और अगर कुछ रह गया है तो उस पर भी आप देख लीजिए, ठीक है। और तैयारी कर लिए मेरे को जहाँ तक ये लग रहा है कि जो कंप्यूटर आपका जो बेसिक फोकस होना चाहिए इस टाइम इस एग्ज़ाम के लिए, वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको तैयार करनी है, ठीक है। और जो करंट अफेयर है एसपी पॉलिटिक, अगर आप लोग ये सोच रहे कि जो करंट अफेयर आएंगे, ठीक है, करंट अफेयर तो चलो जो भी करना हुए है, और आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है जनवरी से लेकर जब एग्ज़ाम होगा उसके 2 मंथ पहले से, या अगस्त है तो अगस्त तक, आप जनवरी से अगस्त तक जो करंट अफेयर की घटनाएं हुई उनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो और इसके बाद हम बात करेंगे कि मैंने टाइपिंग टेस्ट की बात की है कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन करना चाहता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास शायद कंप्यूटर नहीं हो, या जिनको कंप्यूटर तो किया है मगर टाइम बहुत हो गया और अब उनका जो हाथ है वो सेट नहीं हो पा रहा है कंप्यूटर पे कीबोर्ड पर, ठीक है, तो उनके लिए इतना बोलता हूँ कि वो तैयारी करते रहिए जैसे आप फ़ोन पे चलाते हो, ठीक है। आजकल आपको पता है सबके पास एंड्रॉयड होकर फ़ोन है, और एंड्रॉयड फ़ोन से आप सब कुछ ये देख रहे हैं और ये सुन रही है, नोटिफिकेशन देख रही है। तो जो आप अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं, ठीक है, तो फ्रेंड्स वगैरह के आपके पास लैपटॉप वगैरह होगा, कीबोर्ड तो नॉर्मली लेते ही सब लिया होगा, ठीक है,
तो क्या करना है कि आपने वो कीबोर्ड उसको लगा देना है लैपटॉप को। अगर आपके पास पीसी है तो तब तो आपके लिए बेस्ट है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि टाइपिंग स्पीड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि टाइपिंग प्रो होना चाहिए या टाइपिंग स्पीड जो टेस्ट उसका होता है एक सॉफ्टवेयर वो होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए कि आप कोशिश करिए कि आप कुछ भी करना है, मान लो कि आपने फेसबुक चलानी है तो उस पर आप पीसी पे चलाने की करें कोशिश करें, ठीक है, या करंट अफेयर करना है या कुछ सर्च करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। और कोशिश ये रखना कि जो आपकी जो हाथ है वो कीबोर्ड पे हो रहा, आंखें जो वो सामने पीसी पर हो, ठीक है, उसका सामने फ्रंट स्क्रीन पे। क्योंकि जब आप एक एक वर्ड ढूंढ के ट्राई करोगे तो आपके लिए वो पंगा पड़ सकता है इसका, क्योंकि टाइम अगर उस टाइम आप अगर ये कर जाते हो, ठीक है, क्लियर, तो आप क्वालिफाई कर जाओगी, ठीक है। मेन चाह था कि लग रहा है कि इसमें जो टफ है वो ये है कि जो टाइपिंग स्पीड ये टेस्ट है यही इसकी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने इसके बारे में इसी में बाहर होंगे। एग्ज़ाम तो चलो ईजी हो गया, जहाँ तक ये नोटिफिकेशन में दिया है कि 50 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा और जो 15 क्वेश्चन है वो HP करंट अफेयर और उसके होंगे, ठीक है, तो बहुत ईजी होगा इसमें। परंतु ये एक कोशिश है कि जब भी एग्ज़ाम देखते या कोई भी आप एग्ज़ाम करते हो तो सबसे पहले तो आपने कूल रहना, ठीक है, ऐसी कुछ हड़बड़ाहट में नहीं आना कि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो आपका लो हो जाए। और एग्ज़ामिनर का जो एक माइंड सेट किया होता है जब वो पेपर सेट करते हैं तो उनके मेन कोशिश यही होती है कि बंदे को पजल किया जाए, ठीक है, पजल मतलब कि उनको कंफ्यूज किया जाए, ठीक है, ताकि वो गलती कर दे और कंफ्यूज हम हो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें नहीं होना है। आपको अगर नहीं आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को उस टाइम छोड़ दीजिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप अगर मान लो आपने 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके 2 मार्क्स कटेंगे उसके, ठीक है। अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते थे तो 2 मार्क्स कटेंगे उसके, ठीक है, तो 8 चल पड़ते। अगर आप इससे ऊपर अगर नेगेटिव मार्किंग का आपको डर है, अगर 8 क्वेश्चन से आप ऊपर तुक्का मारते तो आपको लिए वो बेनिफिट नहीं देगा। तो धन्यवाद, जैसे इसके एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी मुझे तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और जो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट की बात की है, इसमें क्या होता है कि जो हम टाइपिंग करते हैं या टेस्ट देते हैं उस टाइम एक इसका प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है, स्कोर आएगा। जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, हर चीज़ का एक जैसे एग्ज़ाम देते हैं उसका रिकॉर्ड आता है, उसी टाइपिंग स्पीड का एक रिकॉर्ड प्रिंट आउट निकलेगा, उसमें एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ मिलेगा दिया होगा। तो उसके हिसाब से जब आपको आपने अगर 30 वर्ड आप कर लेते हैं, ठीक है, तो एक्यूरेसी वगैरह को छोड़िए परे, उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप उससे बेस्ट करते हैं, ठीक है, तो 3 चांस हो गए आपके लिए, और 3 चांस अगर आपने उसमें 1 चांस पहले में निकाल दिया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो धन्यवाद जय हिंद आज के लिए।